हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन एसआर एडिटिंग जोन। दोस्तों, एक प्रोफेशनल एडिटर बनने की सबसे पहली सीढ़ी है आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव और चेंज करना आना चाहिए, जिससे जो फोटो है वो एकदम रियलिस्टिक लगे और किसी को भी पता ना चल सके कि फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया है या नहीं किया है। भाई वैसे तो हमें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आफ्टर ऑल यार, पिक्सआर्ट में ही 4 से 5 ऑप्शंस हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग बड़ी ही आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, जैसे कि फोटो रूम वगैरह। और कई ऐसी ऑनलाइन सर्वर साइट्स हैं जिसमें फोटो अपलोड करके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। इनमें से देखिए कुछ सर्वर का यूज तो भाई आपने जरूर किया होगा, जैसे कि remove.bg या फिर Adobe का अपना खुद का सर्वर है। लेकिन दोस्तों, एक ही फोटो का बैकग्राउंड हर तरीके से तो भाई इरेज नहीं कर सकते। इनमें से बिल्कुल परफेक्ट कौन सा तरीका है जिसमें हमें फोटो का आउटपुट हाई क्वालिटी में मिले, आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दूंगा एक ही फोटो का अलग अलग तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करके। सो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए भाई शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट में ही कूल कटआउट टूल वाले ऑप्शन से हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। सिलेक्ट पर जाकर पर्सन पर, यहाँ पर एक क्लिक में सिलेक्शन बंद हो गया, लेकिन देखिए ये उतना सही नहीं है। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ओके, तो हो गया, अब सेव कर लेते हैं। ओहो, क्वालिटी यार बहुत ही खराब हो गई। 200 सेकंड मेथड में ड्रॉ टूल से नॉर्मली रेस करेंगे फास्ट। ओके, तो सभी तरीकों का रिजल्ट आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आपको परफेक्ट तरीका मिल जाएगा बैकग्राउंड रेस करने का। ओके, तो हो गया, अब सेव कर लेते हैं। अभी यही फोटो मैं फोटो रूम में ओपन करके दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर बड़ी आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, हमें कुछ भी करना ही नहीं पड़ा। गजब है यार, लेकिन क्या क्वालिटी है, कमी कहां पर है मैं बताऊंगा। इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूं। मेरी जान, अभी ऑनलाइन सर्वर से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज करने वाली साइट है remove.bg। यहां दोस्तों गूगल कर लेते हैं remove.bg। हाँ देखिए, ऊपर वाली साइट है दोस्तों। अपलोड फोटो हो गया, जस्ट एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव, आसान है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, देखिए HD क्वालिटी में हम एक फोटो का ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी इस साइट पर अकाउंट बनाकर। तो मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों, कभी भी ऐसा आप ना करें, ऐसे में देखिए बहुत ही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो लास्ट मेथड भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, जो जिसका फोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर है उनका भी एक सर्वर है। इसके लिए आपको गूगल पर Adobe Spark रिमूव बैकग्राउंड लिखना है। इसके लिए आपको गूगल Adobe Spark Remove Background लिखना है और सर्च करना है। So, देखिए पहले लिंक ओपन करके आप अपलोड फोटो से अपनी फोटो का बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, होता है ना कई जगह पे लिमिट होती है, सो यहाँ से कोई लिमिट नहीं है एंड ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ एक सेफ सर्वर साइट है, इन फ्यूचर कोई दिक्कत होने का खतरा भी नहीं है। अभी हम साइट फोटो की क्वालिटी देख लेते हैं और देखते हैं बेस्ट मेथड कौन सा है। देखिए हमारी जो ओरिजिनल फोटो की क्वालिटी है 1080x1080 और साइज है 243 KB। सुमरी जन, पिक्सआउट में कटआउट टूल से इसका साइज काफी कम हो गया है एंड देखिए कट भी जो है वो सही से नहीं हुआ है। सो ये मेथड यार बेकार है, इसका यूज कभी आप ना करें। अभी पिक्सआउट के अंदर दोस्तों ड्रॉ टूल से जो बैकग्राउंड इरेज किया था उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, यानी कि क्वालिटी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुई है। लेकिन हाँ, काफी टाइम लग गया था इसका बैकग्राउंड रिमूव करने में। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोटो रूम ऐप से रिमूव करने पर हमें एक वाटरमार्क देखने को मिलेगा।
इसके लिए देखिए आप प्रो ऐप का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। अगर साइज की बात करें तो इसकी भी साइज वही है जो हमारी ओरिजिनल फोटो का था। अभी ऑनलाइन साइट से जो बैकग्राउंड रिमूव लिया था उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है क्या हुआ है। सो remove.bg से रिमूव करने पर भी साइज ओरिजिनल फोटो का ही हमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें लिमिट लगा दी है दोस्तों, यानी कि आप एक ही फोटो कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि ऐसे किसी भी सर्वर पर हम अपनी पर्सनल फोटोज डाल नहीं सकते हैं, पता नहीं यार कहां पे डेटा सेव हो रहा होगा। सो लास्ट में हम Adobe Spark का रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत ही बारीकी के साथ बिना क्वालिटी लॉस किए बैकग्राउंड फोटो का जो है वो रिमूव हो चुका है, और कितनी भी फोटोज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही Adobe कंपनी का सर्वर है तो भाई ये सेफ ही होगा। सो मेरे हिसाब से यार सबसे बेस्ट तरीका Adobe Spark रिमूव बैकग्राउंड है, आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप ऐप से ही करना चाहते हैं तो फोटो रूम प्रो वर्जन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। PicsArt और remove.bg से आप ना करें, क्योंकि जहां PicsArt में क्वालिटी लॉस होने का खतरा है तो वहीं remove.bg में लिमिट लगी हुई है, जिसमें HD इमेज एक ही डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, सो आई होप यार आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक ये नहीं किया, जिससे आप फोटो एडिटिंग के बारे में एक एक बारीकी अच्छे से जान सकें। बहुत सारी टिप्स आएंगी, बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, एंड अपना बहुत ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।